अच्छा ये एक ऑप्शन भी आपके पास है कि आप किमाड़ी आए सी फूड आप इंजॉय करना चाहें तो क्रैब सूप भी आपको मिल जाएगा। क्या है इसके प्राइस पर बाउल के? 400 रुपये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका डिलीवरी के लिए कॉल नंबर भी यहाँ लिखा हुआ है। और इसके अलावा अगर आप इंजॉय करना चाहें कुछ मीठा तो यहाँ जनाबे आलिया आपको मीठे मीठे से गुलाब जामुन गर्मा गर्म मिलेंगे गुलाब जामुन। और एक चीज़ और बताऊँ कि इनका जो है फेसबुक पे इंस्टा पे इनका पेज भी है, आप इस पर भी इनको फॉलो कर सकते हैं। तो ये क्या बना रहे हैं? ये है ब्राउन कढ़ाई। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद है जनाब किमाड़ी सी फूड पे, जहां हम आए हैं आज यहां की सी फूड वीडियो को एक्सप्लोर करने। और सी फूड वीडियो क्या एक्सप्लोर करेंगे हम, यहां की बहुत सारी वीडियोस आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी। तो आज हम आए हैं यहां सैटरडे डिनर करने कुछ दोस्तों के साथ और अपने बच्चों के साथ। तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं यहाँ का रिव्यू, यहाँ क्या क्या मिल रहा है आपको। जैसे आपने देखा इस वक्त यहाँ मिल रहा है जनाब अली केकड़े का सूप, इसके अलावा यहाँ आपको मिल रहा है बारबेक्यू, और यहाँ आपको मिलेगी जनाब ताज़ा ताज़ा मछली जो आप फ्राई भी करवा सकते हैं और चाहे तो ग्रिल भी करवा सकते हैं। यहाँ क्या क्या वैरायटी है सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पे फिश का तमाम प्रोसेस हो रहा है कि अगर समंदर से मछली लाई जाती है, लाट की लाट आती हैं और यहाँ डिफरेंट फूड स्टॉल पर या फूड रेस्टोरेंट्स पर लाते हैं, तो सबसे पहले कि यहाँ पर ला के उसकी होती है कटिंग। डिफरेंट मछली साइज़ के हिसाब से कटिंग हो रही होती है, कौन किस तरह से खाना चाहता है, उसको फ्राई चाहिए, ग्रिल चाहिए या जिस तरह से भी चाहिए उसको, उस हिसाब से इनकी यहाँ पे कटिंग होती है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि एक साहब अभी यहाँ पे मछली काट रहे हैं। भाई ये कौन सी मछली है? कौन सी? ये हीरा मछली है जिसकी कटिंग हो रही है। भी है और जहाँ डिफरेंट किस्म की मछलियाँ उनके अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स कि आपको कौन सी मछली किस तरह से खानी है, तो वो यहाँ पे उसकी कटिंग हो रही होती है, उनकी सफाई होती है और सफाई होने के बाद नेक्स्ट हो जाती है आगे। और यहाँ पे आके ये देख सकते हैं आप बास्केट्स में, डिफरेंट बास्केट में जिस तरह से इन्होंने कटिंग करी, कटिंग करने के बाद यहाँ पे वन बाय वन तमाम बास्केट में फिश मौजूद है जिसको वॉश किया जा रहा है। और वॉश करने के बाद ये जाएगी मसाले के लिए, इसके ऊपर लगेंगे तमाम मसाले और फिर उसके बाद क्या होता है वो हम आपको दिखाते हैं। ये आ गई है फिश वॉश होने के बाद और यहाँ पे डिफरेंट स्टाफ जो है इनका वो मसाले लगा रहा होता है किस हिसाब से कि आपको ग्रिल का मसाला लगना है, क्या लगना है, किस तरह से बननी है। और ये एक तरफ मैं दिखाऊंगी तैयार होकर मछली जा रही है इनकी ग्रिल की हुई, और ये है इनका बारबेक्यू, वहाँ मसाला लग के आ गई है और ये आप देखें इसको ये ग्रिल कर रहे हैं। ग्रिल्स में जो है फिश लगी हुई है,
और ये देखें एक साहब जो है यहाँ पे ग्रिल पे सेट कर रहे हैं फिश को, और वहां से उठा के लाएंगे इसको और ये आ जाएगी अंगीठी के ऊपर इस तरीके से। ये देखें काफी बड़ी बड़ी तादाद में यहाँ पे ग्रिल्स मौजूद हैं और अंगीठियां भी हैं माशाल्लाह। आज वैसे भी वीकेंड है और सैटरडे है तो काफी सारा रश भी है। आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे मेरे लेफ्ट साइड यहाँ पे जेंट्स हजरात मौजूद हैं, और अगर मैं बात करती हूँ इस साइड की तो ये इनका फैमिली हॉल है। आप आए तो अपनी फैमिली के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर अपने दोस्तों के साथ आ रहे हैं दोनों ऑप्शन आपके पास है, आप एंजॉय मस्त करेंगे। हम अपनी विजिटिंग एरिया में चलते हैं और वहाँ आपको दिखाते हैं कि इनका मस्जिद मेन्यू क्या क्या और हम क्या खाने के लिए मंगवाएंगे। आ जाए हमारे साथ। और ये है इनका जनाब अली किमाड़ी सी फूड का सिटिंग एरिया। आ जाए हमारे साथ। हम आ गए यहाँ पे इनके स्पेशल काउंटर पे जहाँ दिया जाते हैं फूड का ऑर्डर। हम देंगे फूड का ऑर्डर, हम क्या मनवा रहे हैं ये हम आपस में डिसाइड करते हैं, फिर आपको भी दिखाते हैं। तो आ जाए जल्दी से हमारे साथ। अच्छा यहाँ देखें ये कौन सी मछली तैयार हो रही है भाई? पापलेट और मुश्का तैयार हो रही है और ये फ्राई कर रहे हैं इसके अंदर। और ये आप पीछे देख सकते हैं रेडी टू सर्व। और यहाँ बन रहा है झींगा कढ़ाई। भाई ये आधा किलो कढ़ाई है, ये एक किलो कढ़ाई है जो तीन कढ़ाई में तैयार हो रही है। और नीचे अगर मैं दिखाऊं तो ये तैयार है, ये देखिए आप भाई गर्मा गर्म कढ़ाई तैयार हो रही है। तो जनाब जिसने कढ़ाई खानी है, जिसने फ्राई खानी है, तो जनाब जिसने कढ़ाई खानी है और जिसने फ्राई खानी है दोनों आ जाए किमाड़ी पे और वहाँ पे एंजॉय करें मजेदार किसी की गर्मा गर्म फिश और फिश कढ़ाई, झींगा कढ़ाई और झींगा फ्राई। तो आगे चलते हैं और आपको मजीद चीजें दिखाते हैं। तमाम स्पाइसेस मौजूद हैं जो झींगा कढ़ाई में तैयार किए जाएंगे, मतलब झींगा कढ़ाई में डाले जाएंगे जिससे झींगा कढ़ाई तैयार की जाएगी। और जिस तरह से फिश आ रही है धुल धुल के यहाँ पे ये देख सकते हैं बाउल में, इसमें बास्केट में ना झींगे भी हैं आधा किलो एक किलो डिफरेंट साइज के, जैसे आपको चाहिए उस हिसाब से आपको यहाँ पे झींगे भी मिल जाएंगे। पहले सफाई होगी फिर उसको वॉश करेंगे फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कढ़ाई बनवानी है, आपने फ्राई बनवानी है, जो भी बनवानी है। तो पहले आपको आना पड़ेगा इस काउंटर पे जहाँ पे आपको मिलेगी डिफरेंट किस्म की मछलियाँ, और यहाँ आप देख सकते हैं तमाम मछलियाँ हर साइज के हिसाब से नाम के हिसाब से यहाँ मौजूद है। और आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे डिफरेंट स्टाफ मौजूद है जो कि लोगों को सिलेक्शन करने में उनकी हेल्प आउट कर रहा है, फिर उसको वेट करते हैं, वेट करने के बाद वो बास्केट में लेते हैं, बास्केट में जाती है वॉश करने के लिए, वॉश करने के बाद फिर जाती है ना सफाई के लिए पहले जाती है, फिर वॉश होती है, उसके बाद डिफरेंट टाइप पे आती है कि आपको फ्राई करनी है या कढ़ाई करनी है, क्या बनाना है कढ़ाई बनानी है कि फ्राई बनाना है। तो भाई ताज़ा ताज़ा सी मछली है खड़ी हूँ किमाड़ी की फूड स्ट्रीट पे जो कि है सी फूड स्ट्रीट। और हम जो आए हैं बाकायदा हमें जो इन्विटेशन मिला है सी फूड के हवाले से वो आया किमाड़ी की तरफ से। आज हम यहाँ आए तो हमने सोचा कि ना आपके साथ भी हम वीडियो शेयर करें, यहाँ के जायके शेयर करें, यहाँ का मियार शेयर करें और यहाँ के प्राइस शेयर करें। तो आप लोगों ने लाजमी विजिट करना है, कल संडे है और इंशाल्लाह कल आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगी, तो आप लोग कल भी आ सकते हैं। और आने वाले मौसम सरमा में तो माशाल्लाह से यहाँ फुल रौनक होती है, और अभी भी इतना रश है कि आप देखें कि बैठने की जगह नहीं है, लोग वेटिंग पर बैठे हैं। तो आप टाइम का ख्याल करके आइएगा, अगर चाहे तो वीकेंड पे आ जाए या बगैर वीकेंड पे आ जाए, लेकिन आइएगा जरूर। लोकेशन मैं आपको बता दूँ, जब आप आ रहे हैं जैक्सन मार्केट से बिल्कुल सीधा किमाड़ी का, तो यहाँ पे राशिद सी फूड का लोगो लगा हुआ है, किमाड़ी सी फूड का लोगो लगा हुआ है, और राइट हैंड साइड पे आपको शेल का पेट्रोल पम्प पड़ेगा, ये इसका मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन है जहाँ बासानी यहाँ पे पहुंच सका। ये पुंद है ना? और ये कौन होती है? और फिंगर फिश कौन सी बनेगी? देखो
या कौन? पहले ये सब यहाँ से जाएगा, सफाई होगी, फिर वॉश होगा, और उसके बाद जो इसके मसाले लगेगा, मसाले लगने के बाद फिर हम खाएंगे। इसको यहाँ से कटिंग होगी, आई एम वेरी एक्सपर्ट यू नो। झींगा तैयार है हमारा जो है, ये दो वो है ना, कुंद है ना, ये कुंद हम फ्राई करवाएंगे, और जो ये वाली मुश्का आप बता रहे हैं तो इसको हम कटिंग करवा के फिंगर बनवाएंगे। अभी जब हमारा ऑर्डर लगेगा ना, अच्छा जी, जैसे कि हमने सारा आपको विजिट करवा दिया, लेकिन जो कुछ इन्फॉर्मेशन हमें नजर आई वो हमने आपको पहुंचाई, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो हम नहीं जानते, वो आपको हम इनसे दिलवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सुनाए खैरियत है? कैसा लग रहा है माशाल्लाह आज? बहुत आउटस्टैंडिंग है रौनक। जब सर्दी विंटर के विंटर आ जाते हैं तो ये सर्दियाँ हमारी सी फूड 2019 से बना है, बाकी ये तो सदियों से पुरानी है जो जगह की हमारी फिश के लिहाज से मशहूर है, लेकिन इसको जो मॉडरेटिंग टच थी अभी के साथ में ये हो गए 5-6 साल हो गए लोगों ने यहाँ फिश को एक नया, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फिश में पूरी समंदर की तारीफ इटरेशन बयान की जाती है, जब आप कहेंगे तो आप समंदर की जो खसूसियात है वो इस फिश में सब नज़र आ जाएगी। शॉर्टली इसलिए कहेंगे कि वीकेंड का टाइम है, पैक क्राउड है, बताएगा कि अभी मैंने जैसे देखा कि हम पहले 25 प्लेट करते हैं, उसके बाद वो वॉश होने जाती है, फिर मसाले लगने जाती है, और हमें टोकन दिया गया कि ये अमाउंट है, हमने उसको आप पे किया, ऐसा ही है ना? आपको लाइट अपने सामने कोई इसमें डाउन नहीं, पीछे से आप जैसे आप रेस्टोरेंट में आप कहते हैं तो आधा किलो किलो फिश लेके आ जाए, पर कैसे भी तरीके से आपको दिखता नहीं है, बस बन के आ जाए। वही चीज़ आपके पास आएगी अपने। थैंक यू, आपने हमारे पास वीकेंड इसलिए थोड़ा क्राउड है, ज़्यादा टाइम आ गया। थैंक यू, आप इन्जॉय करें अपने डिनर। बहुत शुक्रिया। ये देखें जनाब, फिश एंड चिप्स का जो कॉम्बिनेशन है ना, मज़ा आ गया। पहले मज़ेदार
गया, मुझे यकीन नहीं आ रहा इतनी जल्दी मछली मसाले में मैरिनेशन होने के बाद इतना ज़बरदस्त टेस्ट देगी, अनबिलीवेबल। इंजॉय करते हैं, छोड़ देने मिलते हैं। लाला आपको हम बहुत मिस कर रहे हैं। यार चिप्स भी अलग मज़ेदार हो रहे हैं। यार ये हमारी मीडियम बन गई है। और यहाँ हो गया हमारी मछली का सफाया। दूसरी डिश दिखाएं जरा, दूसरी उठाओ। चले जी, करते हैं एंजॉय और इसके साथ ही अपने ब्लॉग को यहाँ एंड करेंगे। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। कल मिलते हैं नए ब्लॉग में। डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल विजिट ब्लॉग पर सभी जो अपना भरपूर ख्याल रखिएगा और तिमाड़ी सी फूड पे जरूर। अच्छा जी, खाना हमने खा लिया, हर चीज़ हो गई, बहुत मज़ेदार है। और इसके अलावा अब हम इंजॉय करेंगे यहाँ पे कॉफ़ी। वैसे तो सब कॉफ़ी का सीज़न नहीं है, लेकिन ये कि आपको बताने का मकसद ये कि जब सीज़न आए तो आप यहाँ लाजिम विजिट करें। तमाम आइटम आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं। यहाँ बन रही है बड़ी गर्मा गर्म एक्सप्रेसो कॉफ़ी,